साथियों नमस्कार। गुरुकुल धाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमने समाचारों की श्रृंखला शुरू कर रखी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं कि आगामी परीक्षा में ये प्रश्न आ सकते हैं, उनको लेकर के हम रोज चर्चा कर रहे हैं। जिस दिन हमें लगता है कि आज के पेपर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खास जो है वो न्यूज है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा पेपर पढ़ने के बाद लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज कुछ खास नहीं है, तो उस दिन हो सकता है कि आपको क्लास नहीं देखने को मिले। लेकिन ऐसा हम बात करें तो सप्ताह में 7 दिनों में से मुश्किल से एक दिन हो सकता है और कई बार नहीं भी हो सकता। बाकी अधिकांशतः 1 या 2 प्रश्न तो एग्जाम को लेकर के पेपर में आते ही आते हैं जो आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो हमारी श्रृंखला है वो ये उद्देश्य को ले इस उद्देश्य को लेकर के है कि आगामी जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपका कोई भी प्रश्न करंट से गलत नहीं हो। तो आज के पेपर में क्या कुछ खास रहा, इसको लेकर के मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आज अंतरिक्ष में एक और ऐतिहासिक छलांग है वो भारत ने लगाई है। तो आज क्या ऐतिहासिक छलांग भारत ने लगाई है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो अब सूर्य नमस्कार और लॉन्चिंग हुई थी 11:50 पे और आप लोगों ने ये देख लिया होगा, सफल लॉन्चिंग हो गई है। तो बेंगलोर से चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद भारत अंतरिक्ष में एक और छलांग के लिए तैयार है। भारत के पहले सूर्य मिशन, ध्यान रखें भारत का पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1 की लॉन्चिंग है वो हुई है। तो आदित्य L1 आपको याद रखना है, भारत का पहला सूर्य मिशन जो है आदित्य L1 ये आपको याद रखना है। आदित्य L1 जो है ये भारत का पहला सूर्य मिशन है जिसकी जो हम कहेंगे कि आज लॉन्चिंग उसकी हुई है। बाकी पेपर में 23:40 की उल्टी गिनती 12:10 शुरू हो गई। सुबह शनिवार को 11:50 पे आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा स्पेस पार्ट से लॉन्च किया जाएगा। तो ये भी याद रखें श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। तो एक तरह से हम देखें तो देखिए हम कह सकते हैं कि आदित्य L1 है ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर जो है लॉन्गरेंज बिंदु पर स्थापित होकर सूर्य पर 5 साल तक नजर बनाए रखेगा और यान 125 दिन में अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। कितना समय लगेगा इसको, 125 दिन में है ये वहां पहुंचेगा और सूर्य के भूत वर्तमान और भविष्य को जानने में ये मदद करेगा। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। लाइव प्रसारण जो है वो www.isro.gov.in पर आप देख सकते थे उस समय 11:00 और हम बात करें 50 मिनट पे जब लाइव प्रसारण हुआ। तो ये सौर मिशन जो है भारत का, इस सौर मिशन का क्या नाम है, आदित्य L1 है। एक तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको याद रखना है, दूसरा ये कहाँ से लॉन्च किया गया ये आपको याद रखना है, श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया गया, भारत का पहला सूर्य मिशन है। तो ये 2 प्रश्न यहाँ आपसे पूछे जा सकते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम बात करें तो इस न्यूज से। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है एक देश एक चुनाव पर बड़े कदम, कोविंद के नेतृत्व में समिति गठित। तो आपको ये याद रखना है रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई है। रामनाथ कोविंद कौन है आप सब लोग जानते होंगे, भारत के राष्ट्रपति। तो एक देश एक चुनाव है क्या कि सरकार ये चाह रही है कि क्यों ना भारत में विधानसभा और हम बात करें तो राज्यसभा लोकसभा, लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव है, यानी लोकसभा लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव है वो एक साथ करवा लिए जाएं, एक साथ करवा लिए जाएं। इसके लिए जो है ये हम कहें कि सरकार एक कदम उठा रही है जिसके लिए एक समिति का गठन किया है। और इस समिति के अध्यक्ष कौन, आपसे पूछा जा सकता है किसे बनाया है, तो समिति के अध्यक्ष जो हैं ये रामनाथ कोविंद को बनाया गया है, ठीक है, रामनाथ कोविंद। थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक देश एक चुनाव की जब बात की जाए तो 1967 तक, यानी 1967 में कौन सा चुनाव था, 1967 में जो चुनाव था ये चुनाव था अपने चौथा, ठीक है, 1967 में 4th जनरल इलेक्शन था। तो 1952 में हमारा पहला चुनाव होता है और 1952 के बाद सेकंड की मैं बात करूं तो 1957 में और थर्ड की मैं बात करूं तो 1962 में। इसका मतलब 1967 का जो चुनाव था ये 4th जनरल इलेक्शन था। तो 4th जनरल इलेक्शन तक एक ही साथ में चुनाव होते थे।
हालांकि उसके बाद जो है अलग अलग चुनाव होने लगे विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं केंद्र सरकार ने, तो अब दोबारा से सरकार ये चाह रही है कि एक देश एक चुनाव है, यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है वो एक ही साथ करवाया जाए। इसके कई सारे फायदे भी हैं और कई सारे हम कह सकते हैं कि आलोचना करने वालों के लिए नुकसान भी है। फायदा ये है कि समय की बचत होगी, पैसों की बचत होगी और एक ही साथ चुनाव संपन्न हो जाएगा। निर्वाचन आयोग की को भी हर साल चुनाव का झंझट नहीं रहेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं। निर्वाचन आयोग से पूछा गया कि क्या भाई एक समय में एक साथ चुनाव पूरे देश के हम करवा सकते हैं विधानसभा और लोकसभा के, तो निर्वाचन आयोग ने कहा, आयुक्त ने कहा कि क्यों नहीं करवा सकते, उसके लिए एक संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, करवाए जा सकते हैं। तो इसी बात को लेकर के चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार ने देश में संसद एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं के अध्ययन के लिए पूर्व राष्ट्रपति, है ना, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आप जानते हैं, मैं शायद यहाँ चर्चा कर रहा था तो उस समय मैंने कहा होगा कि राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति है नहीं, राष्ट्रपति थे, अभी द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। तो अभी द्रौपदी मुर्मू है और पहले जो है वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। तो उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई है और ये समिति जो एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर सुझाव देने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, यानी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई है जो कि इसका अध्ययन करेगी। और बाकी हम बता ही चुके हैं कि 52 से 67 तक पहले एक साथ ही होते थे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव। ठीक है, हालांकि बात करें तो 1982-83 में जो है इसके बारे में निर्वाचन आयोग ने संविधान में संशोधन करने का एक सुझाव भी दिया था एक देश एक चुनाव के बारे में। तो ये थोड़ा सा याद रखना है हमें। ठीक है, और अगर ऐसा होता है एक देश एक चुनाव तो आपको याद रखना है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1952 में संशोधन करना पड़ेगा, वहां भी संशोधन करना पड़ेगा। किसमें? लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1952 में संशोधन करने के बाद ही ये जो है वो चुनाव करवाए जा सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। ये हम बात कर रहे हैं आज के पेपर में तीसरी बड़ी न्यूज, चौप खेल स्टेडियम का दिखने लगा स्वरूप। तो चौप खेल स्टेडियम पहली बात तो है कहाँ? चौप खेल स्टेडियम जयपुर में है। ठीक है, जयपुर में है। हम बात करें विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम है चौप स्टेडियम, और इसमें 75,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। क्रिकेट का स्टेडियम है, पहला नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में, जिसमें 1,10,000 दर्शकों के बैठने की जो है वो व्यवस्था है। और दूसरा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में है, इसमें दर्शक क्षमता की बात करें तो 1 लाख है। और तीसरा अपने राजस्थान में बन रहा है जो निर्माणाधीन है, अभी आप देख रहे हैं इस प्रकार से दिख रहा है, तो अजमेर हाईवे पर जो है दौलतपुरा टोल प्लाजा से 1 किलोमीटर दूर जो है ये स्टेडियम बन रहा है चौप गांव में, इसलिए इसका नाम है चौप स्टेडियम। ठीक है, और जयपुर में है और 75,000 दर्शक क्षमता है। इसमें इसकी विशेषताओं की मैं बात करूं तो 11 पिच होंगे, 2 प्रैक्टिस ग्राउंड होंगे, 35,000 वाहन तक, सॉरी 35 नहीं 3,500 यानी 3,500 तक वाहनों की सुविधा है वो यहाँ रहेगी। और दिल्ली हाईवे पर जो है ये स्टेडियम बन रहा है, यानी इसका मुख्य गेट जो है वो दिल्ली हाईवे पर रहेगा। तो ये चौप स्टेडियम तीसरा सबसे बड़ा है, ये याद रखना है। अगली न्यूज की बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिंगापुर में भारतीय मूल के थर्मन बने राष्ट्रपति चीनी मूल के ने 2 उम्मीदवारों को पछाड़ा। तो देखिए थर्मन षणमुगरत्नम इनका पूरा नाम है और सिंगापुर में ये भारतीय मूल के हैं जिनको 70.4040% वोट है, वो बढ़त के आधार पर सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। तो कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं ये पूछा जा सकता है, 9वें कौन बने हैं ये पूछा जा सकता है। थर्मन षणमुगरत्नम ये बने हैं, भारतीय मूल से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी जो घोषणा है वो किसने की थी? तो घोषणा की हम बात करें तो पीएम ली सिंग लुंग जो वहाँ के पीएम हैं उन्होंने इनकी जीत की घोषणा करते हुए बधाई है वो दी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि थर्मन षणमुगरत्नम 70.40% वोट की बढ़त के साथ सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति हैं वो बने हैं, 70% से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोट है वो उनको मिले हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कहाँ के बने हैं, सिंगापुर के। अगले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो समुद्र में उतरा बाहुबली युद्धपोत महेंद्र गिरी, यानी बाहुबली युद्धपोत महेंद्र गिरी है ये समुद्र में उतरा है, क्या है ये? तो सबसे पहले हम बात करें तो नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देख पा रहे हैं, ये जगदीप धनखड़ है, झुंझुनू से है इनका संबंध जगदीप धनखड़ का। तो ये शुक्रवार को मुंबई के मंझगांव डाक में भारतीय नौसेना में युद्धपोत महेंद्र गिरी को लॉन्च है वो इन्होंने किया
किया है। महेंद्र गिरी की अगर विशेषताओं की बात करें तो महेंद्र गिरी की लंबाई 149 मीटर है, चौड़ाई की बात करें तो 17.8 मीटर इनकी चौड़ाई है, 17.8, टॉप स्पीड 28 नॉट है। इससे पहले 17 अगस्त को इस प्रोजेक्ट के छठे युद्धपोत विंध्य गिरी को लॉन्च किया था, तो ये इसका मतलब छठा था वो, तो महेंद्र गिरी सातवां हो जाएगा। तो ये समुद्र में उतर गया है बाहुबली युद्धपोत महेंद्र गिरी। अगली बात करते हैं हम पेपर लीक और नकल के दोषी को उम्र कैद। बहुत अच्छा फैसला लिया है राजस्थान सरकार ने, यानी पेपर लीक करने वाले नकल में अगर दोषी पाए जाते हैं उनको उम्र कैद तक की सजा है वो होगी। इसके साथ साथ जुर्माना है वो कितना कर दिया है, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा प्रावधान है, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है ना, अधिकतम 10 करोड़ रुपए है ये याद रखना, ताकि पेपर लीक नहीं हो। और इसकी बात करें तो हम जो ये राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम से संबंधित जो विधेयक था इसमें संशोधन करके 2023 को सरकार ने विधानसभा में ये विधेयक रखा था, कौन सा, संशोधित प्रावधानों के साथ रखा था। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा यानी भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम जो संशोधन विधेयक है उसको 2023 में, और इसमें ये प्रावधान किया गया है जुर्माना न्यूनतम 10 लाख रुपए है, अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का है वो किया गया है, और 2 साल से तक की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी जो जमा जुर्माना अगर नहीं करवाता है। तो इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, तो आपको याद रखना है उम्र के तक की सजा और अधिकतम जुर्माना 10 करोड़ रुपए तक का अब कर दिया गया है, ताकि पेपर लीक माफियाओं पर है वो सरकार अंकुश लगा सके। हालांकि फिर भी ये सब कुछ करने के बाद भी बार बार पेपर लीक के मामले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, तो ध्यान रखें भाई है ना। मोस्टली क्या है कि अधिकांशतः जो स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और अच्छी बात मैं बता दूं, ये भी अच्छी बात है कि कम से कम इस प्रकार के मामले कम होंगे, सरकार सख्त होगी तो। अब सरकारी नौकरी भी आपको नहीं मिलेगी, और जो पुलिस थाने हैं वहाँ रिकॉर्ड रखा जाएगा जो भी इस प्रकार से छेड़छाड़ करता है उनका, जिस प्रकार के हिस्ट्री सीटर के रिकॉर्ड रखे जाते हैं पुलिस थाना में, पास का जो पुलिस थाना होता है वहाँ का, उसी प्रकार से ये छेड़छाड़ करने वालों के मामले को लेकर के भी रिकॉर्ड है वो वहाँ पुलिस के द्वारा जो है पुलिस थाने में रखे जाएंगे। और इसके साथ साथ देखिए सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी, तो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार का सोचना ही आपके लिए गलत है, सोचना ही नहीं है। छेड़छाड़ करना तो दूर, आपको 10-15-20 फीट दूर ही रहना चाहिए मेरा ये कहना है, तो ताकि क्या है कि एग्जाम अच्छे से तैयारी कर पाओ और नौकरी लग जाओ, वरना तो नौकरी जो है वो मिलेगी नहीं, और नौकरी सरकार वैसे भी नहीं देगी, और नहीं लगोगे तो वैसे नौकरी नहीं मिलेगी, तो फिर आपको पता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आइए अगली न्यूज पे बढ़ते हैं। G20 शिखर सम्मेलन जमीन से आकाश तक चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा। तो G20 का जो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन भी आ रहे हैं, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के ऋषि सुनक, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान तक, दुनिया के कई राष्ट्र जो है उनके प्रमुख जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, तो इनको लेकर के कड़ी सुरक्षा जो है वो की गई है। हवा में हवा मार करने वाली मिसाइलें तैनात कर रही हैं, इसके साथ रफाल, मिराज 200, सुखोई 30 है ना। तो कहने का मतलब क्या, सम्मेलन के लिए दिल्ली के आसपास को सुरक्षित करने के लिए फाइटर जेट, रडार, एंट्री ड्रोन सिस्टम, इस प्रकार के जो मिसाइलें वगैरह तैनात है वो सरकार कर रही है, ताकि हर प्रकार से सुरक्षा में है वो, किसी प्रकार की कमी है वो नहीं रहे। तो देखिए आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से कड़ी सुरक्षा है वो किया जा रहा है, ऊपर हेडिंग भी है फाइटर जेट, रडार, एंट्री ड्रोन सिस्टम, मिसाइलें, 1,30,000 सुरक्षाकर्मी। तो देखिए कितनी सुरक्षा के बीच जो है, और सुरक्षा ज़रूरी भी है, दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष जो है इसमें शामिल होंगे तो ज़रूरी भी है भाई। आइए अगली न्यूज पे बढ़ते हैं। अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे भी अब हिंदू परिवार माता पिता की संपत्ति के हकदार होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराधिकार कानून के तहत जो ये अधिकार दिया है
इसमें हमें को थोड़ा सा ये ध्यान रखना, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है हिंदू विवाह अधिनियम कब बना, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है उसकी धारा 16(1) और 16(2) के तहत अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे जो है उनको वैध माना है कोर्ट ने, और माता पिता की संपत्ति के वो हकदार होंगे। थोड़ा सा हमें ये यहाँ ये भी ध्यान रखना है अमान्य विवाह कौन से होते हैं, तो लड़का या लड़की दोनों की उम्र निर्धारित सीमा से कम हो वो अमान्य विवाह के में शामिल होते हैं। कोई एक पहल से विवाहित हो, लड़का या लड़की में से कोई एक शादीशुदा हो दोबारा से शादी कर ले तो वो भी अमान्य है। रिश्ता ऐसा हो जिसमें विवाह की अनुमति नहीं दी गई हो, विवाह कानून के अनुसार नहीं किया गया हो, किसी पक्ष को डरा धमका कर धोखे से विवाह किया गया हो, तो अमान्य यानी जो समाज में मान्य नहीं है। तो अगर वो समाज में मान्य नहीं है फिर भी अगर इस प्रकार से शादी होती है और उनके बच्चे होते हैं वो माता पिता की जो संपत्ति है उसके हकदार होंगे, ऐसा फैसला जो है वो कोर्ट ने दिया है। आज के पेपर में ये कुछ करंट से संबंधित प्रश्न से जो आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो उनको लेकर के हमने चर्चा की। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और रेगुलर क्लासें हैं वो लेते रहें। एक आप लोगों के सूचना है, मेरा जो कोर्स है ऐप पे गुरुकुल धाम का ऐप जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है ना गुरुकुल धाम, इसका ऐप जो है इस ऐप पे हमारे सारी फैकल्टी के कोर्स उपलब्ध हैं। आप चाहें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, राजस्थान जीके है, पॉलिटिकल है, साइकोलॉजी है, कोई भी कोर्स आप खरीद सकते हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, हर कोर्स अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो मेरा एक कूपन कोड है, कूपन कोड है प्रदीप 10। कूपन कोड क्या है? प्रदीप 10। अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो हर कोर्स पे आपको 10% जो है यानी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। और मेरे भी यहाँ अभी 2 कंप्लीट कोर्स आप खरीद सकते हैं। एक कोर्स है पॉलिटिकल साइंस का, यानी जिसकी हम मैं बात करूँ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में किसका कोर्स? राजव्यवस्था है ना, तो भारतीय राजव्यवस्था है ना, भारतीय राजव्यवस्था का कंप्लीट कोर्स आपको 299 रुपये में मिल रहा है। कितने रुपए में मिल रहा है? 299 रुपये में। और इन 299 में से भी आप ये कूपन कोड अगर यूज करते हैं तो आपको 10% और डिस्काउंट हो जाएगा। कंप्लीट राजव्यवस्था का, भारतीय राजव्यवस्था कोर्स 299 रुपये में मिल रहा है। साइकोलॉजी की मैं बात करूँ, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आप जहाँ भी आपके साइकोलॉजी का पोर्शन है कंप्लीट साइकोलॉजी मेरे द्वारा जो है वो चैनल पे करवाई गई है। और साइकोलॉजी की मैं बात करूँ तो 499 रुपये में कंप्लीट साइकोलॉजी का कोर्स है वो आपको मिल रहा है हमारे ऐप पे। और इसमें से भी ये कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं तो 10% और डिस्काउंट है वो हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड HM KVS NVS किसी की भी तैयारी कर रहे हैं आपको कंप्लीट साइकोलॉजी 499 रुपये में मिल जाएगी। तो ये थी आपके लिए एक सूचना। चलिए मिलते हैं कल फिर से एक नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।